हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोमैडिक टीएफ के यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम हैं एलएपी में। तो गाइस, एलएपी का पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैं किया हूं कनोइंग। तो गाइस, ये है एलएपी का लाइट हाउस और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एलएपी लाइट हाउस और अलापुझा बीच। एलएपी और अलापुझा दोनों एक ही नाम है। एलेपिया के वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस इन साउथ इंडिया। तो गाइस, एलेपिया के केरला में आता है और आपको इंडिया के हर कोने से आपको कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कि जैसे कि ट्रेन, बस और आपको कोची एयरपोर्ट जस्ट 50 किलोमीटर। एलेपी लाइट हाउस, अब
तो गाइस अब आके शाम के 5:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हो मैं इधर आया सनसेट देखने के लिए और इधर बारिश का मौसम है इसीलिए सनसेट दिखना थोड़ा मुश्किल है। तो गाइस अगर सनसेट आएगा तो डेफिनेटली आप दिखाऊंगा। तो गाइस सनसेट तो देखने नहीं मिला लेकिन बीच के पास बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, सच बता रहा हूँ, एकदम बहुत मस्त है देखने के लिए और इधर एंजॉय करने के लिए तो बहुत ज़बरदस्त बीच है। तो गाइस सनसेट तो देखने को नहीं मिला लेकिन मुझे इस आलेपे बीच पे सरप्राइजिंगली मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह भाई मिल गए और वो तो बहुत हम्बल पर्सन है, सीरियसली सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और उनके साथ 1 to 2 minutes बात करने का मौका मिला और वो भी उनकी फैमिली के साथ आए थे इस आलेपे बीच पे। तो गाइस ये है वो पिक्स मिस्टर इंडियन हैकर के साथ, सीरियसली गाइस बहुत मज़ा मिला, बहुत हम्बल पर्सन है गाइस ये। तो गाइस फाइनली इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनली इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिलराज भाई को भी थैंक यू।